स्टोमेटा तक समझ में आ गया सबको कि गैसेस के एक्सचेंजमेंट का फंक्शन होता है, ठीक है। अब ये तो लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में हमने स्टडी कर ली। अब उसके बाद में हम लीफ को फूड फैक्ट्री क्यों बोल रहे हैं, उस चीज़ के बारे में भी हमको जानना जरूरी है कि लीफ के पास ऐसा क्या स्पेशल फंक्शन है जिसकी वजह से वो क्या कहला रही है, फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स कहला रही है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इनमें मेन फंक्शन जो है वो लीव्स का जो मेन काम है वो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करने का। क्योंकि प्लांट का कौन सा पार्ट है, ग्रीन पार्ट है, और प्लांट्स के जो ग्रीन पार्ट होते हैं वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है वो क्या होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस टू वर्ड से मिलकर बना है, फोटो प्लस सिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है प्रिपेयरिंग, यानी ऐसी प्रोसेस जिसमें कि प्लांट्स लाइट की प्रेजेंस में अपना फूड बनाने का काम करेंगे, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। या आपको इस तरीके से इसलिए शो किया गया है ताकि आपको लर्न रखने में आसानी हो, ठीक है। आप याद कर सकते हो कि फोटो जो है उसका मीन होता है लाइट, और सिंथेसिस का मीनिंग होता है प्रिपेयरिंग, यानी लाइट की प्रेजेंस में फूड का बनना क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस कहलाता है। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस बाय विच लीव्स प्रिपेयर फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, यानी प्लांट्स की ऐसी प्रोसेस जिसमें वो अपना फूड बनाएंगे किस किस चीज़ का यूज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करेंगे और वाटर का यूज करेंगे। किसकी प्रेजेंस जरूरी है, सनलाइट की प्रेजेंस जरूरी है और क्लोरोफिल की प्रेजेंस जरूरी है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ठीक है, वाटर आपको पता है क्या होता है, बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में सनलाइट, सबको पता है सनलाइट क्या होती है, सन से जो लाइट मिलती है उसी को सनलाइट बोलते हैं। लेकिन हमारे पास एक नया वर्ड मिला है हमें, कौन सा, क्लोरोफिल। तो ये क्लोरोफिल क्या होता है इसके बारे में भी जान लेते हैं एक बार। क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन कलर पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर सब्सटेंस होता है जो कि लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इसका मेन काम क्या होता है कि जो सनलाइट है उसको ट्रैप करने का काम करेगा, यानी क्लोरोफिल अगर एब्सेंट है तो सनलाइट का यूज नहीं हो पाएगा, और सनलाइट की प्रेजेंस नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का जो फंक्शनिंग है, मतलब जो फूड प्रिपेयरिंग में जो इनका रोल है वो रोल प्ले नहीं हो पाएगा। यानी हम ये बोल सकते हैं एक तरीके से कि फूड का जो फॉर्मेशन है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद देखो आप कि फोटोसिंथेसिस के लिए वैसे हम डेफिनेशन में देख चुके हैं कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, बट एक बार फिर भी देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारा जो एटमोसफेयर है उसमें एक गैस होती है, उसी को हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। उस कार्बन डाइऑक्साइड को किसके थ्रू लेते हैं, स्टोमेटा के थ्रू। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि स्टोमेटा का काम क्या होता है, गैसेस को एक्सचेंज करने का काम होता है, यानी अब कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ रही है, लीव्स को अंदर लेनी है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड किसके थ्रू अंदर जाएगी, स्टोमेटा के थ्रू अंदर जाएगी, ठीक है। स्टोमेटा के थ्रू अंदर चली गई, कार्बन डाइऑक्साइड का काम यहाँ पे खत्म हो गया। उसके बाद में वाटर की अगर हम बात करें तो ये किससे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, सॉइल से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अगर रेनी सीजन नहीं है तो सॉइल के अंदर जितना भी वाटर प्रेजेंट है उसको एब्जॉर्ब करेंगे और उसी का यूज करके फूड का फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन अगर रेनी सीजन है तो पानी जो है वो बारिश के थ्रू भी ले सकते हैं, मतलब इनको केवल वाटर की नीड है, कहीं से भी मिलना चाहिए बस। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड जो है वो है सनलाइट, जो कि आपको पता है किससे मिलेगी, सन से मिलेगी। एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, सन है, जिससे कि हमको प्लांट्स को सनलाइट की नीड है। उसके बाद में हम एक जनरल रिएक्शन देख लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है उसको शॉर्ट में कैसे हम याद रख सकते हैं या शॉर्ट में कैसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ बता देती हूँ मैं आपको, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको बार बार इतनी लंबी स्पेलिंग ना लिखनी पड़े तो आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब, सॉरी, इसको इस तरीके से शो करेंगे CO2। उसके बाद में वाटर की अगर हम बात करें, आप चाहते हो कि आपको बार बार वाटर नहीं लिखना है, ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से शो कर सकते हो। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, अगर आप चाहो तो याद रखना, अगर नहीं चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपके आगे की क्लासेस में काम आएगा इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया यहाँ पे। और वाटर के बारे में हम बात कर लिए, सनलाइट हो गया, रिएक्शन की बात कर रहे थे, ठीक है। वाटर प्लस CO2, यानी यहाँ पर आप वाटर की जगह क्या लिख सकते हो, H2O लिख सकते हो, प्लस CO2 लिख सकते हो, यानी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिलेंगे, दोनों एक साथ रिएक्शन करेंगे, किसकी प्रेजेंस में करेंगे, सॉरी मैं यहाँ लिखना भूल गई, यहाँ पर आ जाएगा सनलाइट, क्योंकि सनलाइट रिक्वायर्ड है, और सनलाइट को ट्रैप करने का काम कौन कर रहा है, क्लोरोफिल काम कर रहा है। तो दो चीज़ें रिक्वायर्ड हो गई, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हो गई, सनलाइट और क्लोरोफिल, यानी सनलाइट को ट्रैप करेगा क्लोरोफिल और उसके बाद आगे की जो रिएक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये सारे जो भी मटेरियल रिक्वायर्ड था वो सब चीज़ें हमारे पास प्रेजेंट है। अब जो है ये पूरी रिएक्शन होने के बाद में, मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। अच्छा, ग्लूकोज जो है वो एक शुगर का एक टाइप होता है, ठीक है। तो ग्लूकोज जो है वो प्लांट्स में बन गया। अब जितनी भी प्लांट्स को नीड है,
फ्यूचर में इनको फूड की रिक्वायरमेंट फील हो रही है तो उस फूड को वो क्या कर सके, यूटिलाइज कर सके। तो इस फूड को यानी ग्लूकोज को वो किसकी फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। ये भी शुगर का एक टाइप है, लेकिन ये क्या कर देते हैं, ग्लूकोज से कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, स्टार्च में, और फिर इसको स्टोर करके रखते हैं अपनी प्लांट बॉडी के अंदर। और उसके बाद में स्टोर करने के बाद जब भी इनको लगता है कि हमें फ्यूचर में फूड की या एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो फिर स्टार्च का यूज कर लेते हैं। उसके बाद में क्या होता है, लास्ट जो बनता है इसमें हमने देखा कि ऑक्सीजन बनता है। ऑक्सीजन तो सबको पता है ऑक्सीजन क्या होती है, ठीक है, हम ब्रीदिंग में ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं, ठीक है। ये ऑक्सीजन का जो है वो यूज ही है कि ऑक्सीजन जो है वो ह्यूमंस और एनिमल्स की रेस्पिरेशन प्रोसेस में हेल्पफुल होगी, या आप बोल सकते हो ब्रीदिंग में काम आएगी। तो ये टॉपिक जो था अपना ये कंप्लीट हो चुका है, स्ट्रक्चर पढ़ ली हमने लीफ की और फोटोसिंथेसिस कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।